हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल माय डिश माय तड़का की ओर से नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सरल विधि से आलू टिक्की, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू लिए हैं और इन्हें हमने पहले ही बॉईल कर लिया था और छीन लिया था। अब ये अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा और यहाँ पर थोड़ी हींग ली है और स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार ही हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी लिया है और रिफाइंड ऑयल भी। और हमने यहाँ पर कटा हुआ धनिया भी लिया है। इसे डालने से आलू टिक्की का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। तो आलू टिक्की बनाने के लिए हमें इसका डो भी तैयार करना होगा। तो हम आलू में चावल का आटा डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हींग और हरा धनिया। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे और आलू को हमें पीस लेना है हाथों से। ये देखिए दोस्तों, हमारी आलू टिक्की का डो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा डो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे, सॉरी दोस्तों, टिक्की बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इसे गोल गोल करना है, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं वैसे ही हमें इसे भी करना है और दबा के थोड़ा सेट करना है। इसी तरह से हम ऐसे ही टिक्की बनाते रहेंगे, हमारे डो जो हमने तैयार किया था। आप टिक्की को दो तरह से ट्राई कर सकते, डीप फ्राई और स्लो फ्राई। यदि आपको डीप फ्राई करना हो तो कढ़ाई में ज्यादा तेल डालें, लेकिन स्लो फ्राई से ज्यादा अच्छी बनती। हम अभी स्लो फ्राई करेंगे, इसलिए हम थोड़ा कम तेल डालेंगे पैन में। तेल को जांचने के लिए कि ये ज्यादा गर्म हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, इसे जांचने के लिए हम थोड़ा सा डो इसमें डाल के देखते हैं। ये देखिए, ये गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम हमारी टिकिया डाल देंगे इसके अंदर। हम इन्हें स्लो फ्राई कर रहे हैं। हम इन्हें जब तक रखेंगे तब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसे चेक करते रहेंगे कि ये गोल्डन फ्राई हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चावल काटा है तो इसलिए इसे धीमी आंच में पकाएं। अब हम इसे पलट के देखते हैं गोल्डन ब्राउन हुआ कि नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छे से हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए, हमारी एक एक करके सारी गोल्डन ब्राउन होती जा रही है। तो आलू टिक्की बनाने के इस तरीके से आप इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और बाजारी मिलावट से बच भी सकते हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें पकाते रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी आलू टिक्कियां बनकर तैयार हो गई हैं और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो हम आपको थोड़े दो आलू टिक्कियां बनाकर भी दिखाएंगे। अब आप इसे सॉस, दही, किसी के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी भी है। इसमें थोड़े आप प्याज डाल सकते हैं, थोड़े टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च और सॉस, दही। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी आलू टिक्किया बनकर तैयार हो चुकी है। तो
अगर आपको हमारी आलू टिक्के बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।